बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 25, दैट इज़ लेक्चर 6, एंड द टॉपिक नेम इज़ एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। बेटा, इस लेक्चर में हमने आज अपने चैप्टर 25 को क्लोज करना है, वाइंड अप करेंगे, और लास्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो के हवाले से। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें इस पूरे चैप्टर की ना समरी है, इस पूरे चैप्टर का एक तरह से निचोड़ है। क्योंकि इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ा इकोसिस्टम होता है क्या है, फिर हमने पढ़ा इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर हमने ये देखा कि इकोसिस्टम बनता कैसे, यानी सक्सेशन कैसे होती है, फिर हमने देखा कि कौन सी इंटरेक्शंस होती हैं, प्रीडेशन क्या होती है, पैरासिटिज्म क्या होती है, सिम्बियोटिक एसोसिएशंस क्या होती हैं, या उसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। फिर हमने देखा कि अगर न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करवाना है तो फिर किस किस्म का बायोजोकेमिकल साइकिल चलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास एक पूरे का पूरा एक ऐसा चैप्टर बना है जिसमें हमने ये चीज़ें देखनी थी कि किस तरह से एनर्जी जो है या जो न्यूट्रिएंट होती हैं वो ऑर्गेनिजम्स के दरम्यान जो है वो सर्कुलेट करते हैं। सो दैट्स वाई ये जो हमारा चैप्टर था ये सारा एनर्जी रिलेटेड था, इसके डिविजन्स भी सारी एनर्जी के रिलेटेड ही थी। तो इस हवाले से आज जो लास्ट टॉपिक होगा, यानी इसमें जो हमारा एनर्जी फ्लो का टॉपिक है, इस एनर्जी फ्लो के अंदर अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यही मिलेगी कि जो एनर्जी बनी है या जो इकोसिस्टम में डेवलपमेंट हुई है, अब वो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे फ्लो करेगी। दैट वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी होती क्या चीज़ है, ठीक है। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियंट हीट और लाइट फ्रॉम द सन सन फ्लोज थ्रू एन इको सिस्टम पासिंग थ्रू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स एंड रेडिएट बैक इन टू द आउटर स्पेस। जो सन के आगे लिखा हुआ है ये सन फ्लोज है। जैसे मैंने आपको एक लेक्चर में पहले भी बताया था कि थोड़ा सा एफ़ का इशू है, तो एफ यहाँ पे समटाइम्स मिस हो जाता है। आपको ये बताया गया है कि एनर्जी एक ऐसी रेडिएंट फॉर्म में आती है, यानी रेडिएशन की फॉर्म में आती है, हीट की फॉर्म में आती है, और लाइट, ठीक है, रेडिएंट हीट एंड लाइट फॉर्म के रेडिएशन के फॉर्म में वो जो आएगी, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो एक रेडिएशन है, उसमें हीट भी है लाइट भी है। तो वो एनर्जी क्या होती है कि सन लाइट हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से तीसरे ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेट करती रहती है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में, और एट द एंड क्या होता है कि वो रेडिएट बैक, यानी वो दोबारा से एटमोसफेयर का पार्ट बन जाती है। इस चीज़ को समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। एग्जांपल इज दैट जैसे सनलाइट प्लांट्स के ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर पड़ती है। प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है, उसने फोटोसिंथेसिस करनी है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्लांट क्या करेगा कि उसके ऊपर हर्बीवोर फीड करेगा, तो वो जो एनर्जी थी जो पहले अब सनलाइट के फॉर्म में थी, रेडियंट एनर्जी थी, अब वो केमिकल एनर्जी है प्लांट की बॉडी में है। तो जब हर्बीवोर प्लांट पर फीड करेगा तो वो केमिकल एनर्जी हर्बीवोर में चली जाएगी, फिर हर्बीवोर को जो है वो कार्निवोर खा जाएगा, तो वो एनर्जी जो है कार्निवोर के अंदर चली जाएगी। कार्निवोर को कोई ओमनीवोर खा जाता है, वो एनर्जी उसकी तरफ चली जाएगी। या इनमें से कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करता है, फीसिस रिलीज़ करता है, तो वो चीज़ वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है, और फिर उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, और वो अगेन डिकम्पोजिशन के बाद दोबारा से जो है एनर्जी जो होगी वो एटमोसफेयर का पार्ट बन जाएगी। तो ये सारी की सारी जो एक हम कहते हैं कि चेन है, एक जो लिंक होता है ना, यही एनर्जी फ्लो होता है। जहाँ पे हम सनलाइट की बात करते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल थी इन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्लांट ने फिक्स की है फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज की है, उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का नाम देते हैं। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर प्लांट हैव मेट देयर रेस्पिरेटरी नीड्स इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लांट बायोमैस। अब दो चीज़ें हैं समझने वाली, एक है प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, और दूसरा ये बायोमास क्या होती है। सिंपल सी चीज़ है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, ठीक, फोटोसिंथेसिस के बाद उसने फूड बना लिया, उसने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बना लिया, ठीक हो गया। अब उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल वो 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना लेता है। अब उस 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से 7 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं उसने मेटाबॉलिज्म के अंदर यूटिलाइज कर लिए, उसने वर्किंग के अंदर यूटिलाइज कर लिए, उसने ब्रेक डाउन करके एटीपी बना लिया, तो 7 मॉलिक्यूल्स तो यूटिलाइज हो गया। अब जो रिमेनिंग 3 मॉलिक्यूल्स थे वो स्पेयर थे। अब रिमेनिंग 3 मॉलिक्यूल्स उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसकी बॉडी का पार्ट बन जाएंगे, उसके बॉडी वेट का पार्ट बन जाएंगे। तो वो जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज उसकी बॉडी वेट का पार्ट बन गए हैं या उसकी बॉडी मास का पार्ट बन चुके हैं, उसको नाम दिया जाता है बायोमास का। सो इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन होती है उसमें और जो बायोमास होता है उसमें क्या फ़र्क है।
ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती, थोड़ी सी आसान सी है। हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं। अब हमने खाना खाया है तो उस खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे, जाहिर सी बात है, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी आती है, हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। अप टू हम कहते हैं 70% चीज़ जो है वो इस तरह से मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। रिमेनिंग जो 30% है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है, उसको हम बायोमास कहते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कोई फूड की इनटेक करता है तो उसमें से वो सारे के सारी जो एनर्जी है, जो सारे का सारा जो एक फर्स्ट सेटअप होता है, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ग्रॉस का मतलब होता है एज अ होल के आप उस सारे चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन उसमें से वो जो प्राइमरी प्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें से बहुत सारा पार्ट मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल हो जाता है, वर्किंग में इस्तेमाल हो जाता है, एटीपी की फॉर्म में इस्तेमाल हो जाता है, और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि प्लांट की बॉडी हो, चाहे एनिमल चाहे ह्यूमन की बॉडी हो, वो स्टोर हो जाता है। तो वो चीज़ जो अब स्टोर हो चुकी है, जो बॉडी का पार्ट बन चुकी है, दैट इज़ नोन एज अ बायोमास, दैट इज़ नोन एज वेट भी हम उसको कहते हैं, हम उसको बायोमास भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ इन एग्जाम्पल से ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और बायोमास क्या होती है। तो यहाँ से अगर आपको कोई डिफरेंस क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड बायोमास, तो आप आसानी से यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है, डिफाइन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन बायोमास, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोमास। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं यहाँ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ज़रूर नोट करने हैं। फिर अब वो कहते हैं, अबाउट 1% ऑफ टोटल एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर्स, यानी सोलर एनर्जी क्या थी, 100%, प्लांट के ऊपर 100% एनर्जी पड़ी, उसमें से 1% उसने यूटिलाइज की है फोटोसिंथेसिस में, और रिमेनिंग 99% उसने जो है लॉस कर दी है, चाहे वो वाटर जो है इवेपोरेट करवाने में हो, चाहे वो सॉइल को हीटअप करने में, जो बिल्कुल उसने आउटर स्पेस में उसको लॉस कर दिया है। तो ये जो एनर्जी होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि ये 99% एनर्जी थी जो लॉस हो गई। जो अगर आपको याद हो तो स्लाइड के बिल्कुल फर्स्ट में ही उन्होंने कहा है कि जो एनर्जी होती है बहुत कम अमाउंट जो है वो प्रोड्यूसर के पास होती है, बाकी सारी रेडिएट बैक हो जाती है। तो ये वही है कि 1% यूटिलाइज कर लिया है फोटोसिंथेसिस में, और 99% एनर्जी इतनी है जो कि आउटर स्पेस के अंदर डेसिपेट हो जाती है, आउटर स्पेस के अंदर लॉस हो जाती है। सो दैट इज नोन एज रेडिएशन विच इज बींग गोज बैक टू द एटमोसफेयर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड के ऊपर, दैट इज अबाउट एनर्जी जो होती है वो एक इकोसिस्टम के अंदर इस तरह से ट्रांसफर होती है कि वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल वो जाती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले प्रोड्यूसर, फिर वहाँ से हर्बीवोर, फिर उसके बाद जो है कार्निवोर, फिर ओमनीवोर, फिर डिकम्पोजर की तरफ जाती है। तो इस तरह से ट्रॉपिक लेवल में वो ट्रांसफर होती चली जाती है, जिसमें हम ये कहते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर, ठीक है। फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर between 80-90% lost as original heat energy and byproduct of respiration. यानी जब आप ये कह रहे हैं कि प्लांट था, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि हमारे पास ये एक प्लांट की स्पेशी है और यहाँ से हर्बीवोर के पास जो है वो एनर्जी गई है, ठीक है। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि इसके पास अगर 100% एनर्जी थी तो उस 100% में से 80-90% जो है वो तो उसने यूटिलाइज कर लिया, यानी रेस्पिरेशन वगैरह के अंदर, तो लॉस हो गया अप टू 90% एनर्जी जो वो लॉस हो गई, सिर्फ आगे कितना जाएगा 10% एनर्जी। तो आपने ये याद रखना है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होने लगती है, तो 90% एनर्जी इसी तरह से रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट या हीट के बाय प्रोडक्ट के तौर पर लॉस हो जाती है, और रिमेनिंग 10% जो होती है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हीट जो एनर्जीज होती हैं या जो एनर्जी लिंक्ड होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि हाउ एवर कॉन्टिन्यूस फ्लक्स, एफ हो गया यहाँ पे, फ्लक्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रिवेंट्स फ्रॉम द सन प्रिवेंट इकोसिस्टम फ्रॉम रनिंग आउट, यानी कि ये बार बार एनर्जी आती रहती है, इसी तरह साइकिल चलता रहता है कि सनलाइट से जो है प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करेंगे, वहाँ से हर्बीवोर फूड लेगा, फिर कार्निवोर, फिर ओमनीवोर, फिर उसके बाद डिकम्पोजर। तो ये सारा साइकिल चलता रहता है, कैसे, क्योंकि सनलाइट इकोसिस्टम को रनिंग आउट यानी कमी होने से बचाती है, इकोसिस्टम की इस कमी को, इस डेफिशिएंसी को पूरा करती रहती है। आपको पता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार है, सो दैट्स वाई हम इसको नाम देते हैं कि सन इज ऑल्सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट कहते हैं जो हमेशा एनर्जी का सोर्स होगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा।
सो वही चीज़ यहाँ पे इकोसिस्टम को भी रन करवाती है। फिर हम कहते हैं अ पायरामिड ऑफ एनर्जी कैन बी कंस्ट्रक्टेड शोइंग डिफरेंट एनर्जी ट्रांसफ़र इन इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो ये जो इकोसिस्टम होता है ना, इसमें पायरामिड ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे पायरामिड क्या चीज़ होती है, देख लेते हैं। पायरामिड देखें क्या चीज़ होती है कि आप, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोड्यूसर था, तो ये पहला लेवल है। इसके बाद एनर्जी गई दूसरे लेवल की तरफ जिसको हमने हर्बीवोर कहा, तो ये दूसरा लेवल हो गया। इसके बाद एनर्जी गई कार्निवोर के पास, ये तीसरा लेवल है। इसके पास एनर्जी गई ओमनीवोर के पास, ये फोर्थ लेवल हो गया। इसके पास एनर्जी जाती है डिकम्पोजर के पास, तो ये फिफ्थ लेवल हो गया। तो यानी प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और फिर क्या है, डिकम्पोजर्स, और ये होते हैं प्रोड्यूसर। तो एक इकोसिस्टम के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर ज़रूरी, और फिर ये चेन इस सीक्वेंस में चलती है। अब ये जो एक इस तरह की एक शेप बन गई है, यानी इस तरह से बनते हैं कि पहले प्रोड्यूसर्स हैं, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर, ओमनीवोर, एट दैन टॉप पे इस तरह से डिकम्पोजर, तो इसको पायरामिड ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी के हवाले से बनती है। जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, जो एनर्जी खुद बना रहा है और ऊपर वालों को दे रहा है, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से जो एक सीक्वेंस चलता है, इसको हम नाम देते हैं पायरामिड ऑफ एनर्जी का। देन इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट शुरू होता है। इसमें अब यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र की। जैसे स्टार्ट में अभी इससे प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको समझाया था कि कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। देखें, सनलाइट ने जो था ये 100% एनर्जी दी, जिसमें से सिर्फ 1% एनर्जी जो है वो प्लांट ने यूटिलाइज़ की। अब वो 1% एनर्जी प्लांट ने यूटिलाइज़ की और वहाँ से अपने लिए उसने फोटोसिंथेसिस करके 100% बना लिया। हमने ये कहा है कि 80-90% एनर्जी रेस्पिरेशन या हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है जब भी एनर्जी प्रोड्यूसर से जो है प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ जाती है, यानी हर्बीवोर की तरफ जाएगी। तो ऑब्वियसली 100 में से अगर 90% चला गया तो रिमेनिंग 10%, तो प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर के पास कितनी एनर्जी आती है, 10% आती है। अब ये जो हर्बीवोर है, जब इसकी डेथ हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी, तो आप खुद सोचें कि इसमें से भी अगेन वैसे ही होगा कि 80-90% एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ 1% रह जाएगी। तो 10% में से 10 का अगर आप कहते हैं कि 90% लॉस हो गया, मीन्स 10 में से 9% लॉस हो गया है, तो पीछे क्या बचेगा, 1%। सो ये जो 1% है यहाँ पे आ जाता है इस तरह से एज अ डीकम्पोजर। तो ये एक छोटी सी सीरीज होती हैं, लेकिन आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि किसी भी टॉपिक लेवल पर आपको पूछा जाता है, एमसीक्यू आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्यूरी आ जाती है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। वैल्यू चाहे वो आपको जितनी भी दे देते हैं, ठीक है, अभी तो यहाँ पे एक फिक्स फिगर है कि 110 and 1, तो आसान है समझना। वैल्यू आपको किसी भी किस्म के फिगर की दे दी जाती है ना, तो आपने ये याद रखना है कि उसमें से 90% जो एनर्जी होती है वो रेस्पिरेशन की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी अगले टॉपिक लेवल की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90% गया तो 10%, यहाँ पे भी 10 का 90% चला गया है, यानी 9 गया, तो पीछे 1% रह गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये लॉस हो जाएगा हीट की फॉर्म में और ये आगे की तरफ ट्रांसफ़र होगा। सो इसको हम कहते हैं हीट एनर्जी लॉस इनटू द आउटर स्पेस की, ये इस तरह से ट्रांसफ़र भी होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में और लॉस भी होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और ये जो एनर्जी की फ्लो शीट है, इसकी प्रैक्टिस बेटा ज़रूर करेंगे आप। ये आपको स्केचिंग के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम डायग्रामेटिकली, या आपको ये आ सकता है स्केच द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, तो फिर आपने ये वाला स्केच बनाना होगा। फिर उसके बाद आता है अ शॉर्ट फूड चेन ऑफ 2 or 3 लिंक्स स्पोर्ट्स कम्युनिटी मोर देन अ लॉन्ग ऑफ 5 or more लिंक्स। वो कहते हैं कि जो शॉर्ट फूड चेन होती है ना, 2 to 3 लिंक्स होते हैं कि प्लांट था, प्रोड्यूसर था, फिर हर्बीवोर, कार्निवोर, ख़त्म हो गया यहाँ पे बात, तो ये ज़्यादा आसान होती है, ये आपको ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा एफिशिएंटली जो है ना कम्युनिटी को समझने में मदद करता है, एज़ कम्पेयर टू 5 लिंक्स जिसमें इन्हें ज़्यादातर जो एनर्जी होती है वो लॉस हो चुकी होती है। फ्रॉम प्रोड्यूसर वुड नेवर रीच ऑर्गेनिज्म एट हाई ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि
अब इसके बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि एक ऐसी फूड चेन जिसमें दो से तीन ऑर्गेनिज्म सिर्फ इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पे एनर्जी फ्लो भी आसान होता है, एनर्जी फ्लो डिस्क्राइब और समझना भी आसान है, और वहाँ पे हर एक लेवल पर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फूड चेन में प्रोड्यूसर था, वहाँ से हर्बीवोर एनर्जी लेगा तो कितनी होगी? उसको जाएगी 10%, और हर्बीवोर से आगे कार्निवोर में चला जाता है या डायरेक्टली डिकम्पोजर में चला जाता है तो 1% हो जाएगी। यानी ये जो एक शॉर्ट फूड चेन जिसमें तीन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर भी आसान है और हर ऑर्गेनिज्म और लास्ट एंड वाला जो डिकम्पोजर है इसको भी एनर्जी इसी फूड चेन में से या इसी जो चेन है एनर्जी फ्लो इसमें से मिल जाती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप चले जाते हैं हायर फूड लेवल की तरफ या हायर फूड चेन की तरफ जिसमें 5 और मोर देन ऑर्गेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो लास्ट स्टेज वाला होगा, जो हायर स्टेज पर होगा, उसको मिनिमम एनर्जी मिलेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको एनर्जी मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है। जैसे हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोजर्स आर those organisms who are able to obtain their energy by converting plant and animal tissues and waste into the inorganic ions. यानी जो एनिमल प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोजिशन के बाद जो है वो उसको डेड मैटर को जो है इनऑर्गेनिक आइंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो इनऑर्गेनिक आइंस हैं, दीज आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म। अब ये जो आयनिक फॉर्म है ये भी सॉइल का पार्ट बन जाती है। तो डिकम्पोजर्स एक फूड चेन में एनर्जी फ्लो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आता है, और एमसीक्यू की स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती है, हाउ मैनी ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। How many organisms are very important to maintain energy flow in an ecosystem? और ऑप्शन आपके पास बहुत सारे होंगे, तो आपने क्लिक करना है सेकेंड ऑप्शन, यानी उसमें जाते हैं दो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और वो कौन से दो ऑर्गेनिजम्स हैं? प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिकम्पोजर ज़रूरी है। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर होगा तो फूड चेन एनर्जी फ्लो शुरू होगा, डिकम्पोजर होगा तो फूड चेन एनर्जी फ्लो ख़त्म होगा या एंड होगा, तो ये दो ऑर्गेनिज्म ज़रूरी हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें जी एम सी क्यू हमेशा आता है। सो टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़रूरी होते हैं इकोसिस्टम एनर्जी बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। कौन से होते हैं? अगर नाम पूछे जाते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि प्रोड्यूसर होगा तो फूड चेन स्टार्ट होगी, और डिकम्पोजर होगा तो फूड चेन कम्प्लीट हो जाएगी या हम कहते हैं कि रिन्यू हो जाएगी। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। यहाँ पे आ जाते हैं अब हम फोर ऑर्गेनिजम्स की फूड चेन के ऊपर। तो अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा देखिएगा, जब हमने पीछे कहा है कि 4 to 5 ऑर्गेनिज्म की चेन हो तो वहाँ एनर्जी कम मिलती है। अब नीचे प्रोड्यूसर को अगर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके पास है, तो आप इसको ट्राइंगल देखें काफ़ी बड़ी है। यहाँ से इसका 10%, यानी 10,000 जाउल था ना, इसका 10% क्या हो जाएगा? 1,000, वो चला गया प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ, इंसेक्ट की तरफ। उसमें से जो है फिर उसका 10% कितना हो गया? 1,000 का 10% होता है 100, वो चला गया सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ। 100 में से ऊपर कितना चला गया है? 10%, यानी टर्शरी कंज्यूमर। अगर डिकम्पोजर जहाँ पे होता तो उसके पास 1% एनर्जी आ जाती। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर डिकम्पोजर होता तो उसके पास 1% एनर्जी आती। तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, और फिर डिकम्पोजर आता है। सो इसको हम नाम क्या देंगे? T1। इसको हम नाम क्या देंगे? T2। इसको हम नाम क्या देंगे? T3। ये हो जाएगा हमारे पास T4, और डिकम्पोजर अगर होंगे तो वो T5 में आएंगे। तो ये एक फूड चेन होती है, ये एक पायरामिड ऑफ एनर्जी है जो आपको ये बताता है कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे और तीसरे की तरफ जो है वो फिर ट्रांसफ़र होती है, और इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फूड चेन में वो इस तरह से मेंटेन रखा जाता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पायरामिड ऑफ एनर्जी। आपने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जस्ट आप नाम लिख दें, बेशक ये डायग्राम्स ईगल वगैरह के ड्रॉ ना करें क्योंकि ये मुश्किल है। आपका मेन कंसर्न एनर्जी और उससे रेलिवेंट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि उससे ऑर्गेनिज्म को कितने जॉल एनर्जी के मिल रहे हैं, या आपके आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। सो इसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। क्वेश्चन आ सकता है जी, नोट कर लें, स्केच द पायरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, या यूं क्वेश्चन आ सकता है, हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट टॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये स्केचिंग आप इसमें लिख सकते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने
जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सारे लेक्चर को जो है एट द एंड ऑफ दिस डायग्राम उन्होंने समराइज किया है, एंड आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। बेटा अगेन मैं आपको एक एडवाइस करूँगी, ये लेक्चर बहुत आसान था, इसमें बहुत आसान आसान पॉइंट्स थे, तकरीबन टर्म्स रिपीट हो रही थी, लेकिन जो आपको मैंने स्केचिंग्स कही हैं कि आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन बताएं, एमसीक्यूज बताएं, तो आपने ज़रूर इनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। सो इफ़ यू आर डिटर्मिन कि आपने अच्छा स्कोर करना है, तो फिर आपको इन चीज़ों की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू गेट गुड मार्क्स। और इसके अलावा एट द एंड मैं आपको एक और चीज़ भी एडवाइस करूँगी, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इकोसिस्टम का जो आपका चैप्टर है बेटा, वो ऐसा चैप्टर है जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मेजॉरिटी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं। आपने अगर हर लेक्चर सुना है तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बताएं, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज ही शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए। यहाँ से सिर्फ दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक सेसेशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है और एक नाइट्रोजन साइकिल का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। दो लॉन्ग क्वेश्चन है और बाकी तकरीबन 12-13 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल आते हैं, तो आपने इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर आसान तो है, ठीक है, इसकी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होंगी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें, आप 85 में से 84 स्कोर करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज इसकी वेटेज शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से दो पैट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, सक्सेशन या नाइट्रोजन साइकिल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल ज़रूर आता है। सो आपने ये ज़रूर प्रिपेयर करना है, एंड आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स आपको मिलते रहें ऑन द चैनल ऑफ बायो किड्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर द लिसनिंग ऑफ दिस लेक्चर, एंड आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आप गाइडलाइंस को अगर फॉलो करते रहेंगे यूं ही, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।